दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पी सेट नहीं, 10 पी सेट नहीं, 20 पी सेट नहीं, सीधे 101 पी सेट देने वाला हूं। और गाइस उन्हें मैं नहीं देने वाला हूं, बट आपको एक ऐसा न्यू ट्रिक बताऊंगा जहां से उन्हें फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपनी फोटो पर पेस्ट करके जिस टाइप का फोटो एडिट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपको कहां से पी सेट को डाउनलोड करना है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि गाइस आज मैं आपको एक ऐसी न्यू ट्रिक बताने वाला प्रीसेट डाउनलोड करने की। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर देना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आपको सर्च करना है LR फ्री प्रीसेट। तो यहाँ पर इतना आपको सर्च कर देना है और यहाँ पर आपको ये वाली एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। तो आपको सिंपल सा इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है तो इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद आपको बहुत सारे प्रीसेट देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कोई सा भी कलर आप प्रीसेट डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी कलर। तो आप लोग देख लीजिए, आपको बहुत सारे प्रीसेट मिल जाएंगे, आपको किसी की भी वेबसाइट से प्रीसेट डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइस कोई कोई प्रीसेट डाउनलोड भी नहीं होता है और वो जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो हमारा चूतिया बना देते हैं और हम चूतिया बन जाते हैं। लेकिन गाइस मैं अपनी वीडियो में कभी भी किसी का चूतिया नहीं बनाता हूं, मैं बिल्कुल रियल ट्रिक बताता हूं आपको जो काम करती है। ठीक है, तो गाइस अब आपको कैसे डाउनलोड करना है, देखो डाउनलोड करने के लिए जैसे कि मान लो ये वाला कलर आपको पसंद आ रहा है ऑरेंज कलर, तो इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको किस पर टैप करना है। यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड होने लगेगा, तो इसे डाउनलोड हो जाने देना है आपको, तो थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, तो गाइस कुछ देर के बाद ये हमारा प्रीसेट डाउनलोड हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा ऐड टू लाइटरूम, तो गाइस इस पर आपको क्लिक करके इसे ऐड कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और ये यहाँ पर ये लाइटरूम में ऐड हो चुका है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब मैं आपको एक आध और पीस डाउनलोड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर मैं एक और पीस को देख लेता हूँ जो सही सा है। तो गाइस यहाँ पर देखो ये वाला पीस है ऑयल ब्लैक पीस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर और ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम डाउनलोड हो जाने देते हैं। तो गाइस ये भी डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें और भी प्रीसेट चाहिए तो गाइस आपको दो एप्लीकेशन और डाउनलोड कर लेना है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, तो इन्हें आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और ये भी ऐसा ही वर्क करते हैं जैसा आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर चलाकर दिखाया है, प्रीसेट को डाउनलोड करके दिखाया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसेस करना है। ठीक है, उसमें और डाउनलोड कर लोगे बहुत ही अच्छी तरीके से, आप पे मुझे विश्वास है। तो गाइस अब मैं आपको इन्हें यूज करके दिखा देता हूँ कि ये वर्क करते हैं या नहीं करते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस देखो आपके सामने मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, तो गाइस आपको भी लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। ठीक है, जो आपका प्रीसेट होगा वो इसी फोल्डर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको सबसे लास्ट में आपको प्रीसेट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला प्रीसेट है। तो गाइस अब आपके मन में एक और सवाल जरूर आया होगा कि भाई वहाँ पे तो ये संतरी कलर था लेकिन यहाँ पर गुलाबी कैसा हो गया है। तो गाइस आपको ऐसा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा वहाँ पे कलर था ये ऐसा ही कलर देगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब आपको एक नॉर्मल फोटो को लेना है। तो गाइस मैं इस वाले फोटो को ले लेता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पर देखो ये वाला फोटो है मेरा और मैं इस पर आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो पेस्ट करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस टाइप का यहाँ पर कलर देगा ये। ठीक है, तो गाइस देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छा वन क्लिक में फोटो एडिट हो जाएगा आपका। मैं आपको और भी फोटो पर चेक करके दिखा देता हूँ कि हर फोटो पर वर्क करता है या नहीं करता है। तो गाइस देख सकते हैं इस पर भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये अच्छा वर्क ही करेगा आपका, चाहे कैसा भी फोटो हो। ठीक है, तो गाइस आप लोग कुछ इसी तरीके से अपने फोटो को ओनली वन क्लिक में एडिट कर लेना। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।